स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्लेजन कंडेंसेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज जब मैं आपको क्लेजन कंडेंसेशन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको इस लेवल पे क्लेजन कंडेंसेशन पढ़ाऊंगा और उसके ऐसे लोग जो जितने भी उसके एक्सेप्शनल वाले एग्जांपल्स हैं उनको करेंगे कि आज के बाद क्लेजन कंडेंसेशन कभी भी आपके दिमाग से एक सेकंड के लिए भी बाहर नहीं जाएगा। आप क्वेश्चन देखेंगे और विद इन 10 सेकंड आप उसका आंसर लगा लेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपना टॉपिक क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन, देखिए जो क्लेजन कंडेंसेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमें बेसिकली क्या करना होता है, जैसे हम क्या करते हैं, हम एक एस्टर उठाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम एक एस्टर उठाते हैं और ऐसे दो एग्जांपल लेते हैं एस्टर के। सपोज कीजिए दो लिया हमने, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ C2H5। ठीक है, और इसको हम लोग क्या देते हैं, इसको हम लोग देते हैं मान लीजिए C2H5ONA। इस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको हम भेज देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके प्रेजेंस में क्या होता है, स्टेप वन को समझिएगा। इससे पहले मैंने आपको अल्डोल क्रॉस अल्डोल पढ़ा रखा है, उसी टाइप से ये भी है। जरा गौर से देखिए, ये एक एसिडिक हाइड्रोजन है यहाँ पर और ये एक बेस है C2H5ONA। देखिए पहले थोड़ा बेसिक लेवल पे सीखते हैं कि जूनियर लेवल के बच्चों को क्या सिखाया जाता है। तो ये यहाँ आया, CH2 पे माइनस आ गया तो क्या बना आपके पास, CH2 माइनस सी डबल बॉन्ड ओ C2H5। ठीक है, तो आपने क्या बना लिया, आपने न्यूक्लियोफाइल बना के रेडी कर लिया। आपने स्टेप वन में क्या किया, न्यूक्लियोफाइल बना के रेडी कर लिया। अब स्टेप टू में क्या करेंगे, इस न्यूक्लियोफाइल का आप अटैक करवाएंगे किसके ऊपर, तो दूसरे मॉलिक्यूल। आपको पता है ना सेम मॉलिक्यूल दो आए हुए हैं, तो दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर इस आयन का क्या कराएंगे, आप अटैक कराएंगे। तो CH3 सी डबल बॉन्ड ओ C2H5, इसका अटैक कराएंगे हम C2 आपको CH2 माइनस सी डबल बॉन्ड ओ C2H5, इसका हम अटैक करवाएंगे यहाँ। तो ये यहाँ करवाएंगे तो ये यहाँ जाएगा, लेकिन जब नीचे आएगा तो इसको यहाँ से क्या करना पड़ जाएगा, जाना पड़ जाएगा। तो फाइनली हमने क्या सीखा, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH2 सी डबल बॉन्ड ओ C2H5 और यहाँ पर साथ में क्या हो गया, तो ये C2H5OH। अब ये सही बात है, जब O माइनस आएगा तो हम इसको हाइड्रोलिसिस भी तो करते हैं ना, हाइड्रोलिसिस करेंगे ना। देखिए O माइनस आएगा तो O माइनस पे क्या मिल गया, उसको OH मिला। तो इस तरह से क्या बना, ये जो कंपाउंड बना, ये कंपाउंड किसका प्रोडक्ट है, तो ये क्लेजन का प्रोडक्ट है। ठीक है, और इस रिएक्शन को क्या कहा गया, इस रिएक्शन को कहा गया क्लेजन कंडेंसेशन। ठीक है, क्या कहा गया इसको, इसको कहा गया क्लेजन कंडेंसेशन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसको एक जगह पे जमा कर लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। पूरे के पूरे क्लेजन कंडेंसेशन को देखिए, यही आपका क्लेजन कंडेंसेशन। वन सेकेंड फिर से समझिए, हमारे पास दो एस्टर थे और एक क्या था, बेस था। हमने एक बेस को यूज करके एस्टर से क्या निकाला, हाइड्रन निकाला, तो हमारे पास ये आयन बना। और अब इसको क्या किया हमने, दूसरे वाले पे जो यानी जो दूसरा वाला मॉलिक्यूल था एस्टर का, उस पर अटैक करवा के हमने उसका OC2H5 को बाहर निकाल के उसको C2H5OH बना लिया और ये हमारा प्रोडक्ट बड़ा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यही है आपका क्लेजन कंडेंसेशन। प्यारे बच्चे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं क्लेजन कंडेंसेशन और डिकमैन कंडेंसेशन में। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि जब हमने दो, देखिए जब हमने दो मॉलिक्यूल अलग अलग लिए इस तरह, एक सेकेंड, एक्चुअली ये पेन गिर गया है ना तो थोड़ा इसमें चोट लग गई है। देखिए तो जब हम दो अलग अलग मॉलिक्यूल में लेते, ध्यान दीजिए हमने क्या किया, यहां पर हम इसको C2H5ONA हमने इसको लिया। तो जब हम इसको लेते हैं तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बना, आपको पता है कि एक से हाइड्रन निकला और दूसरे पे क्या किया, अटैक किया। इसका मतलब प्रोडक्ट क्या बना है, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH2 सी डबल बॉन्ड ओ C2H5, यही बना है ना। देखिए जस्ट अभी देखिए, थोड़ी देर पहले हमने यही तो बनाया है, देखिए यही तो बनाया हमने, है ना। तो ये जो प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट जो जिस प्रोसेस से बना है, इसको कहा गया क्लेजन कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा गया, इस प्रोसेस को कहा गया क्लेजन कंडेंसेशन। लेकिन अगर यहीं पर ये जो मॉलिक्यूल था, ये मॉलिक्यूल ऐसे ना होके आपके ऐसे हो जाते, देखिए सी डबल बॉन्ड ओ C2H5 ओ
OC2H5। अगर क्लैजन कंडेंसेशन आपको इसमें करवाना पड़ गया, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर क्लैजन, तो इंट्रामोलिकुलर क्लैजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिकमैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो इंट्रामोलिकुलर क्लैजन हो गया उसी को हम लोग डिकमैन बोलते हैं। अब समझिए बात को, जैसे कि हम C2H5ON हमने यहाँ भी यूज किया, अब ऑब्वियस ही बात है कि इधर तो एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं, लेकिन यहाँ तो एसिडिक हाइड्रोजन है। देखिए यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एसिडिक हाइड्रोजन है, तो हमने क्या किया यहाँ पर कि C2H5O- से क्या किया, यहाँ से आए H+ वो निकाले तो यहाँ माइनस आया, इस माइनस ने यहाँ अटैक किया, तो पहले ये यहाँ फिर ऊपर से नीचे और इसको यहाँ से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। और यही से जो प्रोडक्ट बना, जरा गौर से देखिए, कार्बन गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 मेंबर ड्रिंक बना, देखिए 5 मेंबर ड्रिंक बना। इस जगह पे क्या है आपको देखिए, डबल बॉन्ड ओ है यहाँ पर, और डबल बॉन्ड ओ एक, इसके बाद 1, 2, 3, 4 कार्बन छोड़ दीजिए, 1, 2, 3, 4 कार्बन छोड़ दीजिए, और चौथे कार्बन में क्या लगा दीजिए यहाँ पर, सी डबल बॉन्ड ओ ओ C2H5। देखिए ये प्रोडक्ट आपका बन गया, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट बना ये क्या कहला, ये प्रोडक्ट क्या कहला, ये कहलाया डिकमैन कंडेंसेशन का पार्ट कहला है। ये जो प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट क्या है, ये तो ये प्रोडक्ट बना डिकमैन कंडेंसेशन के थ्रू, ठीक है। जबकि हमने डायरेक्ट चेन के अंदर दो अलग अलग मॉलिक्यूल निकाला था, मतलब जब हम इंटरमॉलिक्यूलर करवाते हैं तो वो क्लैजन होता है, लेकिन जब इंट्रामॉलिक्यूलर करवाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं हम लोग डिकमैन, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी में क्या करेगा, थोड़ा सा बदलाव किया जाएगा, इसमें क्या करेगा, कुछ आपको थोड़ा सा रिएक्शन अलग कर दिया जाएगा और उसका प्रोडक्ट आपसे अलग एक्सपेक्ट किया जाएगा। चलिए पहले तो ये डिकमैन भाई साहब को हटा दीजिए यहाँ से, आप ये ज्यूम कीजिए, ठीक है, आप ये ज्यूम कीजिए कि यहाँ पर आपको फिर से दे दिया गया इस मॉलिक्यूल को C2H5ONA, क्या दे दिया गया इसको, इसको फिर से C2H5ONA दे दिया गया, तो आप ऐसा आराम से कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। आप यहाँ से स्प्लस हटाइए क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है, तो क्या बना CH3C OCH-C OC2H5, आपको देख के पता चल रहा होगा मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ H+ दे दीजिए इसको, तो आप इसके प्रोडक्ट को ऐसे भी बनाकर छोड़ सकते हैं, ठीक है, आप इसके प्रोडक्ट को ऐसे भी बनाकर छोड़ सकते हैं, ऐसा इशू नहीं आएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे ही बना के छोड़ सकते हैं, लेकिन एस्टर लेके प्रॉब्लम होती है थोड़ी, उतना रेट कम होगा इसका ऐसा होने का, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। कि अगर आपको ऐसा कहीं दे दिया गया तो आप उसके लिए परेशान मत होना, मेरी बात याद रखना है कि ऐसा भी दिया जा सकता है, आप लोग ऐसा क्लास 11 12th में खूब देखे होंगे आप लोग। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्या हो गया, क्रॉस क्लैजन का एग्जांपल हो गया। इसके साथ आपको क्या दे देना होगा, ऑब्वियस सी बात पता है आपको, C2H5ONA। अब C2H5ONA है तो C2H5O पर माइनस है, हाइड्रोजन कहाँ से निकालेगा, यहाँ से नहीं निकाल सकता, उससे निकालना होगा। तो चलो ठीक है, शुरुआत करते हैं, ये रहा हाइड्रोजन, इसको यहाँ से निकालिए तो क्या बनेगा, CH3CH-C OO C2H5, और ये जो माइनस होगा, ये माइनस का अटैक यहाँ हो जाएगा, तो ये पहले ऊपर फिर नीचे, और इसको क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा, और क्या प्रोडक्ट बनेगा देखिए, तो सी डबल बॉन्ड ओ सी एच सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी टू एच फाइव, ठीक है। तो इस तरह से क्रॉस क्लैजन को भी आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते, देखिए प्रोडक्ट आपका ये बना, ठीक है, ये कौन सा प्रोडक्ट बना, तो ये क्रॉस क्लैजन का प्रोडक्ट बना। देखिए अब एक एक्सेप्शनल एग्जांपल दे दिया है, बहुत अलग एग्जांपल है, CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड ओ ओ सी टू एच फाइव, ठीक है।
ये यहाँ पर दिया हुआ है, और इसके साथ ये दो दो एग्जांपल दिए हुए हैं टोटल, ठीक है, ये दो एग्जांपल दिए हुए हैं, और इसके साथ आपको दे दिया गया है आपको C6H5Hol3C-Na+। तो ये भी एक काइंड ऑफ बेस ही है, गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ माइनस लगा हुआ था, ये एक बेस ही है। तो स्टेप वन में क्या करेंगे भाई, CH3CH C डबल बॉन्ड O O C2H5। तो यहाँ C6H5 माइनस जो है यहाँ, सॉरी ये माइनस, ये माइनस क्या करेगा, यहाँ से प्लस निकालेगा, तो यहाँ माइनस आएगा और क्या बना, CH3 यहाँ माइनस चार्ज, C डबल बॉन्ड O O C2H5। और इसका अटैक आप किस पे करवा दोगे, इसके दूसरे वाले पार्ट पे, कौन है दूसरा वाला पार्ट, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O O C2H5। तो ये यहाँ तो ऑब्वियस सी बात है, ये ऊपर फिर नीचे, और क्या हो गया, इसको निकाल दिया गया। अगर ये निकल गया तो क्या प्रोडक्ट बना आपका, CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या हो गया, C ये CH3 ये CH3 ये C डबल बॉन्ड O O C2H5। ये देखिए बन गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एक बहुत अच्छा एग्जांपल देख रहे हैं, ये लीजिए। C डबल बॉन्ड O O C2H5 और प्लस OME C डबल बॉन्ड O CH3 OME ME O, ठीक है। और इसके साथ दे दिया गया है क्या आपको, C2H5 ONA। ध्यान दीजिए बहुत आसान एग्जांपल है, ठीक है। क्या करना है भाई, यहाँ पर सिंपल सी बात है, इस O माइनस का अटैक आप कहाँ करवा दीजिए, देखिए यहाँ से डिहाइड्रन तो है नहीं, इस पे ऐसे डिहाइड्रन है, तो यहाँ पर अटैक करके यहाँ से इसे डिहाइड्रन को निकाल दीजिए, तो यहाँ माइनस आएगा, और इस माइनस का अटैक करवा दीजिए यहाँ पर, तो ये यहाँ, तो ये यहाँ, फिर ये नीचे, तो ये निकल गया। तो चलिए फाइनल प्रोडक्ट क्या बना आपका, OME ME ME O, और ये C डबल बॉन्ड O ये CH2, और ये CH2 किससे जुड़ गया आपको, C डबल बॉन्ड O, और ये देखिए इससे जुड़ गया आपका प्रोडक्ट। आई बात समझ में, अच्छा एक बात बताइए, इसी में अगर और दे देगा आपको, इसी में आपको क्या किया, इसी में आपको और एग्जांपल दे दिया, देखिए इसी में क्या किया आपको कि C2H5 ONA दे दिया, और साथ में दे दिया आपको RX, मतलब सपोज कीजिए इथाइल आयोडाइड दे दिया, तब क्या करोगे, इस यहाँ से क्या करें, एसिड हाइड्रन यहाँ पर है आपका, तो इस O माइनस की हेल्प से यहाँ से क्या किया आपने, एसिड हाइड्रन निकाला, और एसिड हाइड्रन निकाल के जो माइनस आया उस माइनस से अटैक करवा दे यहाँ पर, ताकि ये यहाँ से बाहर निकाला जा सके, और आपका प्रोडक्ट क्या बना ज़रा गौर से देखिए, OME ME O ME C डबल बॉन्ड O CH, इससे क्या जुड़ा, CH2 CH3, और फिर देखिए C डबल बॉन्ड O, और इससे क्या जुड़ा यहाँ पर, बेंजीन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइनल इस तरह से आपका प्रोडक्ट बन गया, देखिए है कि नहीं, टफ है, बिल्कुल भी टफ नहीं है भाई, ठीक है, किसी तरह की प्रॉब्लम है तो बताइए, सारा खेल तो एग्जांपल का ही है ना, सारा खेल तो एग्जांपल का ही है। चलिए देखिए, ये N C डबल बॉन्ड O O C2H5, इसका रिएक्शन दिया गया है इससे N ME डबल बॉन्ड O, और अब इसको दे दिया गया C2H5 ONA। ध्यान दीजिए, तो क्या करेंगे भाई,
ऑब्वियस सी बात है एसिडिक हाइड्रोजन निकालेंगे इससे, कहाँ एसिडिक हाइड्रोजन ये है, नहीं ये है बिल्कुल नहीं, यहाँ पर होगा इसके ठीक बगल में, इसके बगल में एसिडिक हाइड्रोजन है। तुमने क्या किया देखिए, इस ओ माइनस का अटैक करा के इसको यहाँ से निकाला तो माइनस आया, और अब ये यहाँ अटैक किया तो ये ऊपर, फिर यहाँ से ये नीचे, तो इसको बाहर जाना पड़ा और आपका प्रोडक्ट क्या बना, सी डबल बॉन्ड ओ एन एम ई, और यहाँ देखिए ठीक है, इस तरह से आपने क्या किया इसका प्रोडक्ट बना लिया। चलिए और आगे देखते हैं, समझ गए बात को। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, सारा खेल एग्जांपल का है, एग्जांपल से मत भागिए। सी डबल बॉन्ड ओ सी एस टू और यहां पर ये ओ एच, यहाँ भी ओ एच, यहाँ भी ओ एच, और इसके साथ रिएक्शन करवाया गया है एच आपको सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी टू एच फाइव ठीक है। अब आपको एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से निकालना है, ये सब एसिडिक हाइड्रोजन नहीं निकलेगा ठीक है। हाइड्रोजन कौन सा एसिडिक निकलेगा, ये बहुत स्ट्रांग एसिडिक है, क्योंकि देखिए इसका हाइड्रोजन इधर भी जा रहा है और ये इधर बेंजीन के अंदर भी जा रहा है ठीक है, इसलिए ये जो हो गया एच बहुत स्ट्रांग एसिडिक है। तो यहाँ जो सी टू एच फाइव ओ एन ए है, सी टू एच फाइव ओ एन ए ने क्या किया, यहाँ से प्लस निकाला, जब निकाला तो यहाँ माइनस आया, और इस माइनस ने क्या किया वापस फिर यहाँ अटैक किया और इसको यहाँ से बाहर निकाल दिया। देखिए मैं एक झटके में आपको बता दे रहा हूँ ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बना, ओ एच ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच यहाँ ओ एच और यहाँ से क्या जुड़ गया है सी डबल बॉन्ड ओ और ये एच ठीक है। चलिए और अभी ये रिएक्शन, जो रिएक्शन को भी और करवा सकते हैं अभी आप, इसमें क्या कि इसमें एक स्टेप और आगे करवाने के लिए बोला है, क्या करवाने के लिए बोला भाई, इसको एच सी एल दे दिया, क्या दे दिया गया इसको एच सी एल दिया गया, एच सी एल दिया मतलब एच प्लस दिया गया, एच प्लस देगा तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये पकड़ेगा इसको, जो पकड़ेगा तो ये यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसने इस पर अटैक कर दिया। चलिए ठीक है आगे देखते हैं क्या होता है फिर, अगर जब ऐसा हो जाए तो क्या हो जाएगा फिर, देखिए किसी भी परिस्थिति के लिए आपको रेडी रहना होगा, डबल बॉन्ड ओ यहाँ ओ यहाँ एच यहाँ सी एच, सी एच में कौन जुड़ गया भाई, यहाँ इस तरह ओ एच और यहाँ सी ठीक है एच यहाँ ओ माइनस और ये से जुड़ चुका है ठीक है। अब इस ऑप्शन पे क्या आ गया प्लस और यहाँ पे क्या आ गया माइनस आ गया, ऑब्वियस सी बात है अगर माइनस आएगा तो क्या करेगा इसको एच प्लस देना पड़ेगा आपको, चलो दे दूँ इसको एच प्लस दे दूँ, और चूंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ से ये क्या हो गया भाग गया, ताकि यहाँ पर क्या हो गया प्लस माइनस सब खत्म हो गया लीजिए। लेकिन ये रिएक्शन अभी क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन आपने ऐसा दिया, उसके बाद अभी आपको और क्या करना है कि यहाँ से हीट किया गया तो हीट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से एच और यहाँ से ओ एच हट जाएगा, ताकि यहाँ से एक कॉन्जुगेशन प्रिपेयर हो जाएगा ठीक है, हम कॉन्जुगेशन प्रिपेयर कर देंगे यहाँ पर, ये बेटर रहेगा काफ़ी। देखिए हमने क्या किया हीट किया तो यहाँ से एच और यहाँ से ओ एच निकल गया, तो इस तरह से क्या बना यहाँ ऐसे यहाँ ओ एम ई सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच यहाँ ऐसे डबल बॉन्ड यहाँ बेंजीन बेंजीन में यहाँ ओ एच और यहाँ पर ठीक है चलो यहाँ से एच और यहाँ से ओ एच निकल गया, और देखिए फाइनली आपका प्रोडक्ट ये बन गया ठीक है। टफ नहीं है बहुत आसान है आप देख सकते हैं ठीक है, इस तरह से क्या कर सकते हैं हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। और एक और भी एग्जांपल दिया हुआ है उसको भी बार देख लेते हैं ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग, सारा खेल एग्जांपल का याद रखिए हमेशा, एग्जांपल नहीं तो कॉन्सेप्ट नहीं। सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी टू एच फाइव सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी टू एच फाइव इसका रिएक्शन करवा दिया आपको इसे सी एच टू सी ओ ओ सी टू एच फाइव सी एच सी सी एच थ्री होल टू सी एच टू सी ओ ओ सी टू एच फाइव
और यहाँ इसको दे दिया गया क्या सी टू एच फाइव ओ एन ए ओ माइनस एन ए प्लस, ठीक है। चलो तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम, ये यहाँ से H निकाला, यहाँ से भी निकालेगा और ये यहाँ से भी निकालेगा, ठीक है। और यहाँ से निकाल के यहाँ टैग कर देगा ताकि इसको निकाला जा सके, यहाँ से निकाल के यहाँ टैग कर देगा ताकि इसको निकाला जा सके। तो चलो देखो प्रोडक्ट क्या बना, बड़ा आसान सा है, आप देखोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा आपको। देखिए तो इस तरह से क्या बना आपका, ये देखिए सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, इससे जुड़ा सी एस टू, ये देखो, लेकिन सी एस टू नहीं सी एच है, इसमें एक सी टू सी ओ ओ सी टू एच फाइव भी है, ठीक है। फिर यहाँ से देखो सी, यहाँ सी एस थ्री, यहाँ सी एस थ्री, यहाँ फिर से सी एच है, इस सी एच में सी ओ ओ सी टू एच फाइव है, और यहाँ से क्या हो गया, ये यहाँ से जुड़ गया, देखिए हो गया आपका प्रोडक्ट, समझ रहे बात को, तो डरना नहीं है, ठीक है। इस टाइप का कोई भी एग्जांपल देगा तो आप फटाफट इसको इस तरह से अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, डरेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए और एक लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं फिर इसको ख़त्म करते हैं। ओके एक अच्छा सा एग्जांपल देख लेते हैं, सी टू एच फाइव ओ सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी टू एच फाइव, और इसके साथ दे दिया गया है आपको सी सिक्स एच फाइव सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी टू एच फाइव, ये दिया गया है, ठीक है। और इसके साथ क्या दे दिया गया आपको सी टू एच फाइव ओ एन ए, ये देखिए यहाँ माइनस। अब चूंकि यहाँ आ ही चुका है तो क्या किया जाए भाई, एसिडिक हाइड्रन इसके पास तो है नहीं एसिडिक हाइड्रन, अरे भाई इधर पूरा दोनों साइड स्टर स्टर लगा हुआ है, एसिडिक हाइड्रन यहाँ है, तो क्या करोगे एसिडिक हाइड्रन यहाँ से आप एच निकाल के ले लोगे, तो यहाँ पर क्या है माइनस, और इस माइनस से क्या किया आपने यहाँ अटैक करके किसी एक साइड को हटा दिया, दोनों साइड थोड़ी हटा सकते हैं, किसी एक साइड को क्या कर लोगे आप हटा दोगे, तो क्या बनेगा सी टू एच फाइव ओ सी डबल बॉन्ड ओ, और उससे वो जुड़ गया सी एच, सी एच के नीचे कौन है भाई बेंजीन, फिर यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ ओ ओ सी टू एच फाइव, ये देखिए देखिए इस तरह से क्या बन गया प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब इसी में और भी जोड़ देगा और भी करते जाओगे, ठीक है, लेकिन आपको बेसिक बात यही है कि क्लाइजन कंडेंसेशन यही है, ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि क्लाइजन कंडेंसेशन अगर छः अलग अलग इंटर मॉलिक्यूल कराया जाए तो क्लाइजन कंडेंसेशन हुआ, और अगर दो मॉलिक्यूल को जोड़ के एक साथ करवा दिया जाए तो क्या हो जाएगा आपको वो इंटर मॉलिक्यूलर हो गया, तो वो क्लाइजन नहीं बल्कि क्या कहलाएगा डिकमैन कंडेंसेशन, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आई होगी, थैंक यू सो मच, बाय।